नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खाद की भीषण किल्लत से किसान परेशान हैं, लाचार हैं, असहाय हैं। किसानों के खेत सूख रहे हैं और भाजपा सरकार किसानों को खाद देने में पूरी तरह से नाकाम हो चली है। किसानों की पीड़ा सुनने वाला न कोई क्षेत्रीय विधायक है और न क्षेत्रीय सांसद अब नजर आ रहे हैं। किसानों के खेत सूख रहे हैं, किसान परेशान हैं और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार किसानों की समस्याओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से फ़ोन पर बात की व खाद आपूर्ति की मांग की। परिहार ने कहा कि भगवान की मेहरबानी से किसानों के खेतों की जुताई व पलेवा हो गई, वहीं सरकार की लापरवाही के चलते किसानों को समय पर खाद न मिलने से किसान संकट से घिर रहे हैं। सरकार किसानों को खाद समय पर उपलब्ध नहीं कराती तो मजबूरन किसान कांग्रेस रोड पर उतरकर आंदोलन करेगी, चक्का जाम करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। मऊरानीपुर PCF केंद्र में आज हजारों किसान खाद की आशा में अनेक दिनों से लाइन लगाए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मऊरानीपुर से विजय शर्मा की खास रिपोर्ट। हमारी ताल रानीपुर का PCF केंद्र है जो नवीन गल्ला मंडी में स्थित है। यहाँ पे लगभग 15 दिन से DAP खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के खेत सूख रहे हैं और यहाँ पर आज जो हम सुबह 9 बजे यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 2-3 हजार किसानों की लाइन लगी है। किसानों के खेत सूख रहे हैं, किसानों को खाद मिल नहीं रही है, यहाँ का किसान परेशान हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार, योगी सरकार की घोर लापरवाही के चलते जो स्थिति आज उत्पन्न हो गई है वो काबू में नहीं आ रही है। जहां एक ओर इंद्रदेव की मेहरबानी से बुंदेलखंड की बंजर धरती का पलेवा हो गया है, वहीं सरकार की मेहरबानी के चलते यहां का किसान DAP खाद के लिए महीनों से चक्कर लगा रहा है। ये स्थिति है और इस स्थिति को निपटाने में सरकार पूरी तरह नाकाम है। मैं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि किसानों की पीड़ा और उनकी समस्याओं को देखते हुए यहां पे पर्याप्त मात्रा में DAP खाद की आपूर्ति की जाए, जिससे किसान समय पर अपने खेतों की बुआई कर सके। कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसे ललितपुर में अब तक खाद न मिलने के कारण 6 किसानों की मौत हो गई, जिसमें कई किसानों ने आत्महत्या की है। रीजन सिर्फ खाद न मिलना।
क्योंकि इसके पहले किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो गई है, किसान परेशान है। अगर रबी की फसल नहीं बो पाएगा तो क्या खाएगा? अगर सरकार समय रहते नहीं चेतती तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, रोड पर उतरेगी, चक्का जाम करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार है।